तो ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। जी हां, ममता बनर्जी को संदेह नहीं होना चाहिए, बात कही जयराम रमेश ने। 11 दिन तक यूपी में रहेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की। कल ममता ने कहा था कि यूपी क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, जहां जहां कांग्रेस लड़ी वहां वहां हारी है, ये ममता बनर्जी ने कहा था। और इसको लेकर अब कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 11 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को संदेह नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेगी, जयराम रमेश ने कहा है। और हालांकि कल ममता बनर्जी ने कहा था कि यूपी क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, जहां जहां जाती है कांग्रेस वहां वहां कांग्रेस लड़ी है, वहां वहां चुनाव हारी है। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर अभी फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर से टूट गई हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। ममता ने साफ किया है कि राहुल गांधी यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल आ गए, ममता बनर्जी के बयान पर बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस और ममता बनर्जी को संदेह नहीं होना चाहिए, बात कही जयराम रमेश ने। हालांकि आपको बता दें कि 11 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी। कल ममता बनर्जी ने कहा था कि यूपी क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी, जहां जहां कांग्रेस लड़ी है वहां वहां चुनाव हारी है, यह ममता बनर्जी का कल का बयान था। और ऐसे में अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 दिन उत्तर प्रदेश में बिताएगी और ऐसे में जयराम रमेश का भी बयान सामने आ गया है। तो इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है, क्या कुछ कहा है बीजेपी नेताओं और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज ममता जी बोल रही हैं, कल को केजरीवाल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस थी, तो इस प्रकार के अंतर विरोध अखिलेश जी भी लगातार बोल रहे हैं। मुझे लगता है इंडिया अलायंस का जो षडयंत्र था वो इनका फेल हो चुका है। इनका खाली सनातन को गाली देना था, मिलकर सनातन को कोसना था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये हतोत्साहित हो गए सारे सारे। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, हम भी इंडिया गठबंधन में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं, जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को राजनीति को लेकर उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है।